हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृत राज और स्वागत है आपका अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। हम लोग सीख रहे थे क्लास 12 के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मिरर टॉपिक से मिरर फॉर्मूला, ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोग कॉनकेव मिरर में अवतल दर्पण में मिरर फॉर्मूला को प्रूफ कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं फिर से मिरर फॉर्मूला को ही, लेकिन इस बार हम लोग सीखेंगे उत्तल दर्पण में। लिखते हैं यहाँ फॉर कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल दर्पण में हम लोग मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहले इसके लिए फिगर को देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखी गई है। ये बिंदु आकार की वस्तु यहाँ रखी गई है। तो इस वस्तु से प्रकाश की किरण आकर दर्पण पर ऐसे आपतित होता है। जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित हो रही है वहाँ अगर अभिलंब खींचे तो अभिलंब खींचने पर ये गोलीय कोई भी अभिलंब गोलीय सतह के हमेशा वक्रता केंद्र से होते हुए जाता है। तो ये अभिलंब इसके वक्रता केंद्र C पर से होते हुए जाएगा। ये आपतित किरण और अभिलंब है तो ये इसके बीच का आपतन कोण थीटा होगा। अगर थीटा मानते हैं इसको तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी प्रकाश की किरण यहाँ उतने ही कोण से परावर्तित होगी और इतने ही कोण से परावर्तित होगी तो ये कभी आकर प्रधान अक्ष को काट नहीं सकती है। तब यहाँ हम लोग इस लाइन को पीछे मिलाते हैं लाकर, तो पीछे लाकर मिलाने पर यह जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर इसका आभासी प्रतिबिंब आई बन जाएगा। हम लोग यहाँ पर के कोण को देखें तो ये परावर्तन कोण है, इसका मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है। तब ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इस कारण से ये भी थीटा होगा। यहाँ हम लोग वस्तु को रखे हुए हैं तो वस्तु के पास वाले कोण को अल्फा मान लेते हैं, प्रतिबिंब यहाँ बनता है इस कोण को बीटा मान लेते हैं और वक्रता केंद्र पर के पास वाले कोण को गामा मान लेते हैं। इसमें ये पॉइंट ए है और यहाँ से हम लोग अभिलंब डाल देते हैं तो ये अभिलंब आकर के दर्पण के प्रधान अक्ष पर लंबवत होगा। ये दर्पण का ध्रुव है, इसको पी लिखते हैं। लेके चलते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू फिगर फ्रॉम ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल AOC, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल AOC को देखते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल AOC, यहाँ A है, यहाँ O है और यहाँ C है। इसमें ये भुजा बाहर बढ़ाई गई है तो बाहर बढ़ाई गई भुजा के लिए अगर हम कोण को देखें तो बाहर बने कोण को बाह्य कोण कहा जाता है और बाह्य कोण का मान सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मीन्स यहाँ अगर हम बाह्य कोण को देखें थीटा है तो इस थीटा का मान सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा और प्लस गामा। अगली बार फिर चलते हैं अगेन फ्रॉम ट्रायंगल अब की बार लेते हैं AIC से। अब की बार AIC वाले ट्रायंगल को लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल AIC और लिखते हैं, देखते हैं इसमें तो ये त्रिभुज का आई पॉइंट पर की जो भुजा है वो आगे बढ़ाई गई है तो यहाँ बाह्य कोण बीटा होगा और इस बीटा का मान सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के मान के बराबर, मीन्स बीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा थीटा और प्लस गामा। अगर थीटा के मान को यहाँ से रख दिया जाए, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट इक्वेशन से लिखे तो बीटा इज इक्वल टू थीटा और थीटा का मान यहाँ से मिल जाएगा अल्फा और प्लस गामा और प्लस पहले से है यहाँ गामा। अगर हम सम कर ले तो यहाँ मिल जाएगा बीटा और इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा 2 गामा, या अगर यहाँ से हम 2 गामा के मान को लिखते हैं तो 2 गामा इज इक्वल टू यहाँ इस तरफ था बीटा और इस अल्फा को उठा के दूसरे तरफ लेके चले आए तो प्लस से ये माइनस में हो जाएगा, मीन्स यहाँ हो जाएगा बीटा और माइनस अल्फा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं यहाँ इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, अगर ये तीनों कोण काफ़ी छोटा हो, वेरी स्मॉल हो, तो बहुत छोटे कोण के लिए हम लोग टैन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो अल्फा को लिखते हैं सिमिलर टू टैन अल्फा
और tan अल्फा के मान को अगर फिगर से देखें तो यहाँ कोण अल्फा है, इसके लिए tan के लिए p डिवाइडेड बाई b लिखना है, तो इसका p हो जाएगा an डिवाइडेड बाई b हो जाएगा no, मीन्स tan अल्फा को tan अल्फा और tan अल्फा का मान लिखते हैं an डिवाइडेड बाई no। उसी प्रकार से अगर बीटा को लिखें तो बीटा भी बहुत छोटा है तो ये भी सिमिलर टू होगा tan बीटा के, और tan बीटा के मान को लिखते हैं तो इसका p हो जाएगा an बटा b हो जाएगा ni, मीन्स an डिवाइडेड बाई ni। वैसे ही गामा को लिखते हैं तो सिमिलर टू tan गामा, और tan गामा को लिखते हैं तो ये होगा an डिवाइडेड बाई nc। आप देख सकते हैं यहाँ an और डिवाइडेड बाई गामा यहाँ है, तो इसका बेस बेस जो होगा वो nc हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अगर इक्वेशन सेकेंड से हम ले यहाँ, तो इक्वेशन सेकेंड देखिए मिला हुआ था 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ 2 इंटू गामा का वैल्यू रखते हैं ए एन डिवाइडेड बाई एन सी इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, बीटा का मान यहाँ से ए एन डिवाइडेड बाई एन आई, और माइनस अल्फा का मान यहाँ से रखते हैं तो ये होगा ए एन डिवाइडेड बाई एन ओ। इन सब में से अगर हम दोनों में से ए एन को कॉमन निकाल लें तो देखो इस तरफ है ए एन और 2 इंटू ए एन डिवाइडेड बाई एन सी, और इज इक्वल टू दोनों से अगर ए एन कॉमन ले लिया जाए तो ए एन यहाँ बाहर निकल जाएगा और तब बचेगा 1 डिवाइडेड बाई यहाँ एन आई और माइनस एन ओ, एन आई सॉरी एन आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन ओ। इसमें से ए एन से ए एन को कैंसिल कर लेते हैं और अब जो बच रहा है उसको लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाई एन सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एन आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन ओ। अब यहाँ हम n पॉइंट को अगर c के काफी क्लोज मान लें, तो इफ पॉइंट n इज क्लोज टू p, अगर पॉइंट n p के क्लोज है, हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं कि सभी दर्पण के द्वारक को ही बहुत छोटा मानते हैं, तो जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो इसमें सारे कोण अल्फा बीटा गामा थीटा सब छोटा होगा, बिंदु A बिंदु P के काफ़ी निकट होगा, तब N बिंदु भी P के काफ़ी निकट होता है, और जब ये N बिंदु P के काफ़ी निकट है तो जहाँ जहाँ N लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग P लिख सकते हैं, और तब हमें मिल जाएगा यहाँ से सो 2 डिवाइडेड बाई एन सी की जगह पर पी सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एन आई की जगह पर पी आई, और माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन ओ की जगह पर पी ओ। अब रखते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अगर साइन कन्वेंशन के अनुसार रखें, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन के अनुसार मान रखते हैं, देखिए P से लेकर के O तक की वस्तु दूरी U होगी, इसके अगर साइन को लिखें तो प्रकाश आ रही है वस्तु से दर्पण की ओर, और हम लोग दूरी को मापेंगे दर्पण के ध्रुव से वस्तु का, ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में होगा तो साइन इसका माइनस होगा। P से लेकर के प्रतिबिंब के तक की दूरी को लिखते हैं प्रतिबिंब दूरी भी, जिसका साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी दूरी आपतित किरण की दिशा में मापी गई है, और P से लेकर के C तक की दूरी को लिखते हैं वक्रता त्रिज्या R, और इसका भी साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि यह भी आपतित किरण की दिशा में मापी गई है। तो हम सारे के मान को रखते हैं, यहाँ है 2 डिवाइडेड बाई PC, PC का मान लिखेंगे R, और साइन इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि आपतित किरण की दिशा में दूरी को मापा गया है। आगे बढ़ते हैं 1 डिवाइडेड बाई PI, PI प्रतिबिंब की दूरी भी होगी, साइन इसका भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसे भी आपतित किरण की दिशा में मापा गया है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई PO, PO का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा वस्तु दूरी U, और वस्तु दूरी U आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई है, अतः इसका साइन माइनस होगा, तो जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें अगर किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी वस्तु दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध लिखना हो तो फॉर्मूला 2 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई वी प्लस 1 बाई यू होगा, लेकिन अगर हम इसे फोकस दूरी के टर्म में लिखना चाहें तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाई आर और जो 2 है उसको उठा के नीचे ले आते हैं तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा आर बाई टू इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। सिंस हम लोग सीखे हुए हैं पहले ही कि जो f होता है वो होता है r बाई टू, तो जहाँ r बाई टू है उसके बदले f रख सकते हैं, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ये हो जाएगा हमारा दर्पण फॉर्मूला और ये प्रूव्ड हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण ले, या इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने अवतल दर्पण के लिए डिराइव किया था वहाँ ले, दोनों स्थितियों के लिए हम लोग को दर्पण सूत्र 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू मिलता है, और ये दर्पण सूत्र
किसी भी स्थिति में रखे गए वस्तु किसी भी आकार के वस्तु के लिए सही होता है, चाहे प्रतिबिंब वास्तविक बने, चाहे प्रतिबिंब आभासी बने, बड़ा बने, छोटा बने, वस्तु के बराबर बने, वो दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो या फिर समतल दर्पण हो, ये लेंस मिरर फॉर्मूला जो दर्पण सूत्र होता है ये हर स्थान पे सही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि जब भी आगे इसके किसी भी टॉपिक का वीडियो हम बनाएं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।